हेलो, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू गाइज़। एक्चुअली हुआ क्या है कि हाल ही में मैंने purple.com से कुछ शॉपिंग की थी, एसेंशियल ऑयल्स एंड कुछ क्रीम्स एंड शैम्पूज एंड चलो वॉट एवर। तो जब मैं उनका वो शॉपिंग करी और जब मैं उनके पेमेंट सेक्शन में गई तो वहाँ लिखा था कि अगर आप 80 या 90 रुपीज़ की और शॉपिंग करते हैं तो आपको शिपिंग फ्री हो जाएगी। तो मैंने कहा हाँ यार ठीक है, 80 90 रुपीज़ का कुछ ले लेते हैं तो सो दैट शिपिंग फ्री हो जाए। तो मैं फिर गई वापस शॉपिंग करने उनकी साइट पे, तो मुझे एक काजल दिखा जो कि महज 79 80 रुपीज़ की रेंज में था। तो मैंने जस्ट लाइक दैट, मैं लेना नहीं चाहती थी, बस अपनी शिपिंग बचाने के लिए मैंने जस्ट लाइक दैट एक काजल ऑर्डर कर दिया। ये है NY बे का द बिग एप्पल ऑफ माई आई। ये मैंने वैसे ही कर लिया, मैंने कहा यार 80 रुपीज़ का है, क्या ही होना है, चलो कोई बात नहीं, शिपिंग बच जाएगी, चलो एक प्रोडक्ट अपना देख लेते हैं। मैंने तो यूं ही जस्ट लाइक दैट आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट एंड गाइज बिलीव मी, ये जब मैंने यूज़ किया ये मेरा फेवरेट बन गया। अभी मैंने यही लगाया है तो मुझे रहा नहीं गया, तो आई थॉट कि नहीं मुझे इसका रिव्यू जरूर शेयर करना चाहिए आपके साथ। यू मस्ट मस्ट गो फॉर दिस, ओनली इट्स ओनली फॉर 80 रुपीज़। कोई इतना महंगा नहीं है, अभी मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। इट्स हाईली पिगमेंटेड, आप देख ही रहे हैं, यही मैंने लगाया है नीचे भी एंड ऊपर भी, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है, स्मज नहीं करता। हाँ स्मज का मैं आपको एक बता दूं, अगर आपके यहाँ पे आपने कोई क्रीम या कुछ ऐसा ऑयली कुछ लगा रखा है तो आप जितना मर्जी हाई एंड ब्रांड का काजल ले लो, वो स्मज करेगा ही करेगा कुछ देर के बाद, क्योंकि ये जो ऑयल हमारे यहाँ रह जाता है ना उसमें फिर काजल स्मज हो जाता है, ये तो आपको भी पता ही होगा। इसीलिए एक टिप ये है कि जब भी आप लगाएं पूरे फेस पे, जो भी आप क्रीम लगा रहे हैं, ऑयल्स लगा रहे हैं, कुछ भी ऑयली कुछ भी लगा रहे हैं, बट काजल लगाने से पहले आप टिश्यू पेपर ले लें और यहाँ पे डैप करें, यहाँ पे अच्छे से डैप करने के बाद आप फिर काजल अप्लाई करें, वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा आपका काजल, क्योंकि यहाँ पे ड्राई ड्राई रहेगा, थोड़ा सा ऑयल के साथ कांटेक्ट होएगा इन्हीं काजल का, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। बट यस, ये भी स्मज प्रूफ है, इसका भी यही एक टिप है, अगर तो ऑयली होगा आपका ये एरिया तो वो स्मज जरूर करेगा, अगर आप इसको थोड़ा सा डैप कर लेंगे टिश्यू पेपर से तो वो जो है स्मज नहीं करेगा, बिलीव मी गाइस। अब जल्दी से मैं आपको, अच्छा हाँ एक और बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इतने रिक्वेस्ट आए कुछ लड़कियों के कि मैम हम आपकी ना ड्रेस नहीं देख पाते हैं किसी भी वीडियो में कि आपने पूरा पहना क्या है। तो आज से मैं क्या शुरू करूंगी, वीडियो के एंड में मैं अपनी रिवील करूंगी पूरी लुक कि मैंने पहना क्या है, उससे आपको थोड़े स्टाइलिंग टिप्स भी मिल जाएंगे और मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी यार कि इतना तैयार होके बैठने दिखता है ही नहीं कि पहना क्या है। तो आप एंड तक जरूर देखना, मेरी ड्रेस अगर अच्छी लगी या मुझे कुछ अगर आपको आपने अगर मुझे कुछ टिप्स देने होंगे तो वो भी जरूर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो आप जल्दी से इसका देख लेते हैं कि इसको लगाना कैसे है, आप जरूर ले लेना इसको, ठीक है, बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, आप जल्दी से इसको मैं आपको लगा के दिखा लेती हूँ। ये देखिए एक आई पे तो मैंने लगा लिया है नीचे एंड ऊपर भी, अब दूसरे में देखें गाइस, एक ही स्ट्रोक में देखो कितना अच्छा पिगमेंटेड काजल है ये, बहुत ज़्यादा, इट्स डीप डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक काजल है, और आप इसे ऊपर भी लगा सकते हैं। सी गाइस कितना अच्छा और आसानी से लग गया है, आई एम जस्ट लविंग दिस काजल गाइस, बहुत अच्छा है, वाह यार बहुत अच्छा काजल है, थम्स अप, जरूर जरूर लें आप इसको। गाइस ये है मेरी आज की लुक, मैंने पहनी है हाई वेस्टेड स्कर्ट अलोंग विद कोल्ड शोल्डर टॉप और मैंने इसको बेल्ट के साथ टीम अप किया है। यस ये मेरी आज की लुक है, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं।